फ्रेंड्स, देश के कई जगहों में भारी बारिश की खबरें आ रही हैं और इसीलिए कई जगहों में बांध के गेट भी खोले गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बांध के गेट कैसे खोले जाते हैं? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल बांध के गेट खोलने की भी प्रोसेस होती हैं, इसके लिए भी परमिशन ली जाती है और कई बार तो पहले उस जगह के प्रशासनिक अधिकारी जगह का दौरा करते हैं। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और लगता है कि इस पानी से बाहर रह रहे लोगों को दिक्कत हो सकती है तो इसकी जानकारी सबसे पहले बाहर रह रहे लोगों को दी जाती है ताकि वो सतर्क रहें और जो भी पानी के आसपास रह रहा हो वह क्षेत्र खाली कर दे। पूरी स्थिति ठीक होने के बाद ही बांध के गेट खोले जाते हैं। लेकिन बांध के गेट खोलने से पहले तेज आवाज से हर मिनट में सायरन बजाया जाता है ताकि जो भी लोग पानी के रास्ते में हो वो वहां से अलग हो जाए। ये गेट दुकान की शटर की तरह ही होते हैं जिन्हें नीचे से ऊपर उठाया जाता है। इन गेटों के ऊपर एक हाई पावर की मोटर लगी होती है और जब भी गेट को खोलना होता है तो कंट्रोल रूम में जाकर मोटर का यूज करके गेट को ऊपर उठाया जाता है। लेकिन अब तो कई बांधों में हाइड्रोलिक गेट का यूज किया जाता है जिससे प्रेशर के जरिए बांध को ऑपरेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।